नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 8326 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और भी एटफेटर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन को होल्ड करेगा और एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/6/2024 से 31/7/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फी का पेमेंट लास्ट 1/8/2024 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 16/8/2024 से 17/8/2024 के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। एमटीएफ के पोस्ट के लिए एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। हवलदार के पोस्ट के लिए सीबीआईसी और सीबीएन में और कुछ पोस्ट एमटीएफ का वेरियस डिपार्टमेंट में एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD अनरिजर्व के कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD OBC के कैंडिडेट्स को 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD SC/ST के कैंडिडेट्स को 15 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप एक सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड, विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन और वो वुमेन जो जुडिशियली सेपरेट कर दिए गए हों और अभी तक मेरी नहीं हुआ हो उनके लिए आप एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि सर मैंने रिसेंट में ही 10th का एग्जाम दिया है बट रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों देखिए अगर आपका 10th 1/8/2024 से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका 10th 1/8/2024 के बाद कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेशन फी। वुमेन कैंडिडेट्स और वो कैंडिडेट्स जो SC/ST PWBD और एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी नहीं पे करना होगा और ये कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज पे करना होगा। एप्लीकेशन फी का पेमेंट भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 1/8/2024 तक ही कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार आप एप्लीकेशन फी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर रिफंड नहीं कर पाएंगे। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपको 3 अल्टरनेटिव दिया जाएगा एग्जाम के सेंटर को चूज करने के लिए। दोस्तों एक बार आप एग्जाम के सेंटर को चूज कर लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर चेंज नहीं कर पाएंगे। वो एग्जाम के सेंटर को अपने कन्वीनियंट के अनुसार ही चूज करें। और देखिए आपके साथ ऐसा भी हो सकता है जो आप एग्जाम के सेंटर चूज करेंगे वो आपको ना मिले। सपोज दैट आप एग्जाम का सेंटर चूज किए हैं ए, बी और सी, बट आपको एग्जाम का सेंटर ए भी ना मिले, बी भी ना मिले, सी भी ना मिले, आपको एग्जाम का सेंटर डी मिल जाए, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश में सीरियल नंबर 1 में जितना एग्जाम का सेंटर मेंशन किया गया है एग्जाम का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबर आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में सीरियल नंबर 2 में जितना भी एग्जाम का सेंटर मेंशन किया गया है ये सारे प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों आप कर्नाटका केरला रीजन, लक्षद्वीप एंड कर्नाटका एंड केरला के एग्जाम के सेंटर को देख सकते हैं कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है, आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट में सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ले सकते हैं।
हवलदार के पोस्ट में सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा अदर 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों अगर आप रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहेंगे तो आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको मेंशन करना होगा कि आप ये रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्जामिनेशन का शेड्यूल टेंटेटिव है। फर्दर एग्जामिनेशन का शेड्यूल चेंज भी किया जा सकता है। अगर एग्जामिनेशन के शेड्यूल में चेंज किया जाता है तो वेबसाइट के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के स्कीम के बारे में समझते हैं। देखिए सेशन वन में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। सेशन वन में 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा PWBD के कैंडिडेट्स को। सेशन टू में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स कैरी करेगा। सेशन टू के लिए 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा PWBD के कैंडिडेट्स को। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दो सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा, सेशन वन और सेशन टू सेम दिनों में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए कैंडिडेट्स को ना सेशन वन के लिए 45 मिनट्स का ही समय दिया जाएगा। 45 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेशन वन क्लोज हो जाएगा और सेशन टू ओपन हो जाएगा, राइट। सो आप इस बात को ध्यान रखें। अब दोस्तों देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेशन वन में किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यह आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेशन टू में अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन को तो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सो आप इस बात को ध्यान रखें, राइट। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फॉर देट आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 16 मीटर पैदल चलना है 15 मिनट के अंदर और फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर पैदल चलना है 20 मिनट के अंदर। अगर वुमेन कैंडिडेट्स 12 सप्ताह या फिर 12 सप्ताह से ज़्यादा के प्रेग्नेंट पाई जाती है तो टेम्पररली अनफिट कर दिया जाएगा और बच्चा होने के 6 सप्ताह बाद फिर से मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और फिट पाने के बाद हवलदार के पोस्ट में अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गरवालीज, अफाम, गोरखास और एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं हाइट में 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। गरवालीज, अफाम, गोरखास और एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वेट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 48 केजी होने चाहिए अगर गरवालीज, अफाम, गोरखास और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 केजी का वेट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए पीटी और पीएसटी के लिए कैंडिडेट्स को इंडिया में कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, राइट। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि HH, OH ये सब को किसी भी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा PT और PST में। सो आप इस बात को ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज रिफ्रेंट का कलरफुल फोटोग्राफ लेके जाना है, 1 ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से 1 ID आपको लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप FE/ST OBC से अप्लाई किए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। PWBD से अप्लाई किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है।
एक सर्विसमैन से अप्लाई किए हैं तो आपको एनओसी लेके जाना है। फिर अनेक्सर फिक्स के अनुसार सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। अंडरटेकिंग फिर लेके जाना है अनेक्सर 7 के अनुसार, राइट। फिर रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो, राइट। और बाकी दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हैं तो आपको क्या लेके जाना है। जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के दौरान आपको एडमिट कार्ड के अलावा 2 पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटोग्राफ लेके जाना है रिसेंट का, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, इनमें से एक आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, राइट। दोस्तों अगर आप आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं, 2 फोटो नहीं लेके जाते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं दिया जाए, तो दोस्तों आप इस तरह का मिस्टेक ना करें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए टोटल 4,887 वैकेंसीज है, हवलदार के पोस्ट के लिए टोटल 3,439 वैकेंसीज है। दोस्तों ये वैकेंसी जो मेंशन किया गया है ये टेंटिव है, फर्दर इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। सैलरी दोस्तों, सैलरी देखिए बेसिकली फिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जनरली फिटीज 3 टाइप्स के होते हैं, एक फिटीज, वाई फिटीज और जेड फिटीज। वाई फिटीज में भी 2 टाइप्स होते हैं, वाई फिटीज 1 और वाई फिटीज 2। अगर आप एक फिटीज में पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 18,000 दिया जाएगा, डीए 9,000 दिया जाएगा, एचआरए 5,400 दिया जाएगा, टीए 1,350 रुपया दिया जाएगा, डीए और टीए 675 रुपया दिया जाएगा, ग्रोथ सैलरी 34,425 रुपया दिया जाएगा अगर आप एक फिटीज में पोस्ट किए जाते हैं तो। एक फिटीज में ये सारे फिटीज आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। वाई फिटीज के टाइप 1 में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 18,000 दिया जाएगा, डीए 9,000, एचआरए 3,600, टीए 1,350 रुपया, डीए ऑन टीए 675 रुपया दिया जाएगा, ग्रोथ सैलरी 32,625 रुपया दिया जाएगा। वाई फिटीज के टाइप 1 में ये सारे फिटीज आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। वाई फिटीज के टाइप 2 में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 18,000 दिया जाएगा, डीए 9,000 दिया जाएगा, एचआरए 3,600 दिया जाएगा, टीए 900 दिया जाएगा, डीए ऑन टीए 450 रुपया दिया जाएगा, ग्रोथ सैलरी 31,950 रुपया दिया जाएगा। वाई फिटीज के टाइप 2 में ये सारे फिटीज आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। और जो भी फिटीज आप ऊपर में नहीं देखें, आपको नहीं मिला, वो फिटीज जेड फिटीज में आते हैं। जेड फिटीज में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 18,000 दिया जाएगा, डीए 9,000 दिया जाएगा, एचआरए 1,800 दिया जाएगा, टीए 900 दिया जाएगा, डीए ऑन टीए 450 रुपया दिया जाएगा, ग्रोथ सैलरी 30,150 रुपया दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इफ रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इफ रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इफ रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है इफ एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इफ वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग फर्स्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।